इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा कि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को जल्दी से फाइल कर पाएंगे। इसके बारे में हम इस इनकम टैक्स न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यदि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाते हैं income tax india e-filing.gov.in, तो वहां पे 1st अगस्त 2019 को नया अपडेट आया है, जो कि यह कह रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नई वेबसाइट को लॉन्च कर रहा है, ई फाइलिंग लाइट। इस वेबसाइट का मकसद ये है कि सिर्फ इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने पर फोकस किया जा सके। ये इसलिए किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि ये देखा गया है कि लास्ट मोमेंट पे जो लोड है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लास्ट जब ड्यू डेट होती है, तो उसकी वजह से कई लोगों को इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने में दिक्कत आती है। इसलिए ये फोकस जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है कि अलग से पोर्टल प्रोवाइड किया जा सके, ताकि व्यक्ति अपनी रिटर्न को आसानी से और जल्दी से फाइल कर सके। इसके लिए दो ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। एक तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्विक ITR फाइलिंग का लिंक दिया गया है, इसे क्लिक करके आप जो है जल्दी से अपने ITR को फाइल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है रजिस्टर्ड यूज़र के अंतर्गत, दो ऑप्शन दिए गए हैं, ई फाइलिंग लाइट एंड पोर्टल लॉगिन। ई फाइलिंग लाइट के द्वारा आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को आसानी से भर सकते हैं और जल्दी से भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई और सर्विस जो है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर अवेल करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको पोर्टल लॉगिन बटन का यूज़ करना है। जैसे कि यदि आप अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड को देखना चाहते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, या फिर रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट को डालना चाहते हैं, तो उस केस में पोर्टल लॉगिन ऑप्शन में आप जो है लॉगिन करके ITR को फाइल कर सकते हैं, ये जो सर्विसेज हैं वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ITR को भी पोर्टल लॉगिन के द्वारा फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जल्दी से ITR को फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में आप ई फाइलिंग लाइट ऑप्शन जो यहाँ पे दी गई है उसको क्लिक करके अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि क्विक ITR फाइलिंग के क्या क्या बेनिफिट हैं आपको। यहाँ जैसे आप क्विक ITR फाइलिंग बटन पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे वेलकम स्क्रीन दिखती है, जो कि ई फाइलिंग लाइट पोर्टल पे आपको लेके जाएगी। इससे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ये जो ई फाइलिंग लाइट पोर्टल है वो रजिस्टर्ड ई फाइलिंग पैन यूज़र ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है वो ही इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और ई वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने से पहले XML को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो प्री फिल्ड जो XML है वो डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका 26S में TDS क्रेडिट आ रहा है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि पैन नंबर, आपका नेम, एड्रेस एक्स्ट्रा, वो प्री फिल्ड XML फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होगा। आप इसे डाउनलोड करके जो है यूटिलिटी में इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो ITR है वो जल्दी से जो है वो बन जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से ना तो XML फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही इनकम टैक्स की रिटर्न को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ना ही ITR 5 यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ ये देख सकते हैं कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल हो गई है। यदि आप फुल वर्जन देखना चाहते हैं पोर्टल पर, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर आपको लॉगिन करना होगा। उसमें आप फुल वर्जन जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट का देख पाएंगे, जहाँ पे कि आप जो है दूसरी सर्विसेज भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग डिमांड, रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट, या फिर यदि आप कोई और फॉर्म इनकम टैक्स का फाइल करना चाहते हैं, तो वो आप जो है ऑप्शंस फुल वर्जन में इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो URL है इनकम टैक्स की वेबसाइट का, उसके सामने लाइट जो है वो लिखा हुआ आ गया है, इस प्रकार ये लाइट वर्जन है। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, सबसे पहले आप अपना पैन नंबर डालेंगे, पासवर्ड जो आपने इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पे बनाया हुआ है वही यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे आप एंटर करेंगे, और उसके बाद ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहां पे चेक कर पा रहे हैं कि आप पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन दी गई हैं, यानी कि सबसे पहले डैशबोर्ड दिया गया है जहां पे के फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन है, और व्यू इनकम टैक्स रिटर्न ऑब्लिक फॉर्म की ऑप्शन दी गई है। दूसरा है माई अकाउंट, जहां पे कि आप 26AS के क्रेडिट को चेक कर सकते हैं, या फिर
यदि आप ई फाइल रिटर्न फॉर्म को देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तीसरी ऑप्शन यहाँ पे दी गई है, यदि आप प्री फिल्ड XML फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं और उसके बाद अपनी ITR को जो है वो भरना चाहते हैं तो उस केस में आप यहां से प्री फिल्ड XML को डाउनलोड कर पाएंगे। उससे अगली ऑप्शन है ई फाइल, यहां पे जाके आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न या फॉर्म अभी तक जो हमने फाइल की है यहां से चेक करते हैं। व्यू रिटर्न ऑब्लिक फॉर्म बटन पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप को यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न की ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पे प्रेस करना है। इस प्रकार आप यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स और जो फॉर्म आपने फाइल किए हैं उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पैन नंबर दिया होगा, असेसमेंट ईयर कौन से आपने अभी तक रिटर्न फाइल की है, कौन सी ITR आपने किस साल के लिए फ़ाइल की है, कौन सा फॉर्म फाइल किया है, फाइलिंग की डेट क्या थी, अवेलेबल होगी, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल थी या फिर आपने रिवाइज फॉर्म को फाइल किया है। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा किस सेक्शन के अंतर्गत आपने रिटर्न को फाइल किया है और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है रिटर्न का और क्या रिटर्न प्रोसेस हो गई है या फिर नहीं, तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ से जो है एक्नॉलेजमेंट को ना तो डाउनलोड कर सकते हैं और ना ही जो आपने ITR भरी है उसे आप यहां से देख सकते हैं। लेकिन यहां पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके पास अवेलेबल होगी, ये लाइट वर्जन है। ये इसलिए लाइट है क्योंकि यहां पे जो PDF फाइल है या फिर जो फॉर्म्स है वो डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये जो लोड है इस वेबसाइट पे वो कम रहेगा और आप आसानी से और जल्दी से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। चलिए अब हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे माई अकाउंट में 26 AS टैक्स क्रेडिट को आप देख सकते हैं, यानी कि जो भी आपका TDS या फिर TCS कटा है तो आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे जिसके बाद के आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा TDS CPC की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि जाके आप जो है अपना इनकम टैक्स का क्रेडिट देख सकते हैं, यानी कि जो भी TDS या फिर TCS का क्रेडिट है देख पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है जिसके बाद के आप TDS CPC की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो अगली ऑप्शन दी गई है उसके लिए आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड प्री फील्ड XML फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आप किस असेसमेंट ईयर की ITR को फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर को सेट कर लेंगे और कौन से ITR को आप फाइल करेंगे वो भी आपको यहाँ पे बताना होगा। तो आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कौन सा आप ITR फाइल करेंगे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है जिसके बाद के प्री फिल्ड XML आप अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे जो भी जो है इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड जो फॉर्म है उसमें आएगी वो आपको ही वेरीफाई करनी है कि क्या वो सही है या फिर नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्री फिल्ड XML में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जैसे कि आपका पैन नेम डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगा पैन डेटाबेस से, इसके अलावा एड्रेस आधार नंबर मोबाइल नंबर ईमेल ID प्री फिल्ड आएगा जो कि आपने इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पोर्टल पर अपडेट किया हुआ है, उसके अलावा टैक्स पेमेंट TDS TCS क्रेडिट 26 AS से आ जाएगा। इसके अलावा आपके एम्प्लायर ने जो 24Q में नेक्स्ट 2 भरा है उसमें जो सैलरी इनकम अलावेंस डिडक्शन भरी है वो प्री फिल्ड आएंगी। इसके अलावा लेटेस्ट जो आपने ITR फाइल की है, लास्ट ITR जो फाइल की है उसमें हाउस प्रॉपर्टी की जो डिटेल आपने भरी थी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वो प्री फिल्ड आएगी। इसके अलावा 26 AS से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ली जाएगी। इसके अलावा 26 AS से जो आपके टर्म डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम आई है वो प्री फिल हो जाएगी। इनकम टैक्स के रिफंड पे आपको जो इंटरेस्ट इनकम हुई है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अलावा 24Q यानी कि आपके एम्प्लायर ने जो नेक्शन नंबर 2 भरा है उसमें आपने जो टैक्स लीफ अंडर सेक्शन 89 क्लेम किया है एरियर पे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल प्री फिल्ड आएगी। लास्ट जो आपने ITR फाइल की है या फिर जो आपके ई फाइलिंग प्रोफाइल में अवेलेबल है वहाँ से बैंक अकाउंट डिटेल उठा लिए जाएंगे। इसके अलावा वेरिफिकेशन डिटेल सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव पैन डिटेल जो है वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे सोर्स भी दिया गया है कि बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं, जैसे कि ये अपना इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल के अंतर्गत प्री वैलिडेट किया है तो ये वहाँ से लिया गया है। ये अपना लेटेस्ट ITR जो फाइल की थी वहाँ से लिए गए हैं। ये आपने प्री वैलिडेट किया था और ये भी लेटेस्ट ITR से लिया गया है। यहाँ पे आप डाउनलोड XML पे क्लिक करेंगे। ये जो आपने XML डाउनलोड किया है उसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न की जो ऑफलाइन यूटिलिटी है उसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं जावा और एक्सेल जो कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है।
उसके बाद आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर आपकी राइट हैंड साइड पर आई टी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर पाएंगे एक्सेल फॉर्मेट में या फिर जावा फॉर्मेट में। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है और जो फॉर्म है आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ पे असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग आप एक्सेल फॉर्मेट में जो यूटिलिटी वो अवेलेबल है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जावा यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप रेलेवेंट फॉर्म को चूज़ करके जो है इसमें एक्सएमएल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। ये हमने ITR 1 की एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड किया है। इस यूटिलिटी में यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में ऑप्शन दी गई है इंपोर्ट पर्सनल टैक्स एंड टैक्स डिटेल फ्रॉम प्रीफिल्ड XML। आप इसे क्लिक करके जो आपने XML डाउनलोड किया है उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद आप फिर से लाइट वर्जन में लॉगिन करेंगे, वहाँ पे ई फाइल ऑप्शन दी गई है, वहाँ पे इनकम टैक्स के रिटर्न को क्लिक करना है जिससे कि आपके सामने डिटेल आ जाएगी, पैन नंबर, यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे और ITR फॉर्म जो रेलेवेंट है वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो रेलेवेंट फॉर्म है उसके फाइलिंग टाइप आपको सेलेक्ट करना है ओरिजिनल या फिर रिवाइज्ड। उसके बाद सबमिशन मोड है कि आप इसे ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं ITR को। यदि आपने XML जनरेट कर लिया है एक्सेल यूटिलिटी से या फिर जावा यूटिलिटी से तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई है कि आप रिटर्न किस प्रकार वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आप अपनी ITR को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर एक्नॉलेजमेंट को, तो उस केस में आपको यहाँ पे पोर्टल लॉगिन पे क्लिक करना है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन। यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन पर आपको बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि आप 26 ईयर्स का क्रेडिट चेक कर सकते हैं, जो आपने ई रिटर्न को फाइल किया है उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट को भी और फॉर्म को भी XML फॉर्मेट को भी, टेस्ट क्रेडिट देख सकते हैं, प्रीफिल्ड XML को डाउनलोड कर सकते हैं, ई वेरीफाई कर सकते हैं, EVC को जनरेट कर सकते हैं, इसके अलावा CA को ऐड कर सकते हैं या फिर रिफंड रीइशू या कोई और सर्विस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ई फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा यदि आप कोई और फॉर्म फाइल करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग डिमांड चेक कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, ई प्रोसीडिंग में जा सकते हैं, ई निवारण की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, यदि कोई कॉम्प्लायंस आपकी है तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग में आप अपने प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, प्री वैलिडेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को आधार को लिंक कर सकते हैं, टेक्स्ट्रा। इस प्रकार आप लाइट वर्जन से इनकम टैक्स की रिटर्न को आसानी से फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई और सर्विस आप इनकम टैक्स की अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन पोर्टल पर जाके ही जो है सर्विसेज अवेल करनी है। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।